गेमर्स, कैसे हो सारे? आज मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ऑसम पबजी मोबाइल का गेम प्ले, जो कि है मीरामार 2.0 का गेम प्ले। नया नया अभी भी आया है और इसमें हम लोग उतर रहे हैं तूफान के अंदर, क्योंकि भैया हम है तूफानी आदमी और हम तूफान छोड़ के और कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि तूफान में आता भैया बंदे। तो हमारे साथ में यहाँ पर एक और स्क्वाड उतरी, तो हमारे टीममेट ने फटाफट से यहाँ पे मार्क कर दिया कि भैया बंदे उतरे कहाँ कहाँ पे थे। तो मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ तो भाई मैं फटाफट इधर उधर भगता हूँ गन के लिए, और आपको जैसे पता है कि पबजी के अंदर साला कहीं भी गन नहीं मिलती है। और मेरे सामने एक और बंदा बेचारा भूखा नंगा भाग रहा था अपनी स्क्वाड की तरफ, उसकी स्क्वाड बेचारा उसको अकेले छोड़ के जा चुकी होती है। तो भैया यहाँ पे हमको शॉट गन मिल जाती है और शॉट गन के बाद हम उस बंदे के पीछे पीछे जाते हैं, तो रस्ते में हमको और भी गन्स मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SKS और थॉमसन मेरे को मिल चुकी है। तो फटाफट यार मैं यहाँ पे जा रहा होता और मेरे को एक बंदा जाता है छत पे टहलता हुआ, और भैया तुम्हारे भाई की एकदम तगड़ी स्प्रे से कोई बंदा बच जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भैया मैंने यहाँ पर उसको दे दी एक बहुत ही ओपी स्प्रे, और ओपी स्प्रे से बेचारा नॉक हो गया। तो नॉक होने के बाद भैया हमारा काम होता है फटाफट रश करना, लेकिन हमारे टीममेट्स की फट रही होती है तो कोई भी रश करने के लिए जा नहीं रहा होता है। तो भैया मैंने एक टीममेट को गाइड किया कि भाई तो लेफ्ट से जा, मैं तेरे को पीछे से कवर दे रहा हूँ। तो वो लेफ्ट से आगे पहुँच जाता है और मैं पीछे से उसको कवर देने के लिए पहुँच जाता हूँ। तो पीछे पीछे मैं उसको जैसे ही कवर देने के लिए पहुँचता हूँ तो मेरे पीछे पीछे मेरा एक और टीममेट जो है वो अपनी चौड़ी छाती करके आ रहा होता है, और भैया हमारी शरण से जो एक बार बाहर निकल गया तो आपको पता ही है वो एक नॉक हो बिना रह नहीं सकता। तो भैया उसको फटाफट से हम रिवाइव करते हैं, और यहाँ पे हमारे टीममेट का एकदम बढ़िया दिमाग चलता है तो वो हम पे ही एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे कि भैया यहाँ पे पूरा कतई धुआं धुआं हो जाएगा भाई, कतई एकदम सिगरेट ही सिगरेट का धुआं हो जाएगा आसपास। तो भैया इसको रिवाइव करने के बाद फटाफट से हम मैं बंदे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और मेरे को भैया पास वाले कमरे से ध्वनि प्रदूषण आता है। तो भैया ध्वनि प्रदूषण को हम लोग दूर करने में एकदम मतलब आगे रहते हैं, और भैया एक ही स्प्रे से मैं दोनों बंदों को खा जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे दो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और फटाफट से मैं दूसरों के उठाने से पहले ही बढ़िया बढ़िया गन्स उठा लेता हूँ ताकि किसी और को मिल ना सके, क्योंकि भैया मोदी जी ने कहा है भैया सेल्फ निर्भर, जो भी आत्मनिर्भर बनो भैया, तो हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी भैया जैसा बोलेंगे वैसा हमको करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ फटाफट यहाँ पे लूट करने के बाद मैं इधर उधर देखता हूँ कि कहीं और पे बंदे तो नहीं, और मेरे को थोड़ी बहुत आवाज़ यहाँ पे आती है। तो भैया मेरे को एक बंदा दिखता और मैं वहाँ पे मार्क कर देता, जितने में हमारा टीममेट जो है वो भैया हमारी शरण से बाहर जाता है, और आपको पता ही है शरण से बाहर जाता है तो भैया बंदा या तो नॉक होता है या फिर किल होता है। तो भैया यहाँ पे हमारे टीममेट को ये बंदा खा जाता है, और इसको भैया हम कुत्तों की तरह घुस के मार देते हैं। और भैया जैसे कि आप लोगों को पता ही है, फटाफट से पहले दूसरे के उठाने से पहले गन उठा लो, क्योंकि भैया आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और भैया इतने में पीछे से इसका टीममेट, इसको पता नहीं क्या ही है, फिर रिवाइव देने के लिए आ रहा होता, तो भैया इसको भी हम लोग पेल देते हैं और हमारा टीममेट फिर से नॉक हो जाता है। इतने में एक और भैया फुकट का किल आ जाता है, और फुकट का किल हम लोग ना ले ऐसा तो भैया हो नहीं सकता। तो भैया यहाँ पे एक और बॉट मारने के बाद में इसको थोड़ी भी लूट वूट कर ली, क्योंकि मेरे को यार एमओ की जरूरत थी। तो मैं यहाँ पे भाग रहा होता हूँ पहाड़ से, मेरे को यार अचानक से Win94 का शॉट आता है। तो भैया हमको तुम मारोगे तो भैया हेडशॉट खाओगे। तो यार मिनी का इसको प्यारा सा हेडशॉट देने के बाद इसकी कतई गांड फट जाती है और ये फिर दोबारा पीक देता ही नहीं है। तो भाई इसको हम लोग थोड़ा बक्स देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि अगली बार हम कुचरनी ना करें। और भैया हम भग रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे भगते हैं, लूट लेते हैं। इतने में भैया इसकी जो इसका जो एक और टीममेट है भाई, उसको अलग ही नशे भाई, वो गाड़ी लेके हम पे रश करने वाला होता है। तो भैया हमारा ओपी स्प्रे आप लोगों को सब पता ही है, हमारा ओपी स्प्रे से कोई बच तो सकता नहीं। तो भैया उसकी गाड़ी पे दे स्प्रे मारते भैया हम एकदम करते ही उसको नॉक कर देते, गाड़ी से उतार देते भाई, और फिर भाई उसको किल तो कर नहीं सकते हम उसकी दूर से। फटाफट से फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उसकी गाड़ी फोड़ दी जाए। तो भाई यहाँ पे दबा दब स्प्रे मार के उसकी गाड़ी फोड़ देते हैं, इसी के साथ साथ भाई उसकी पिछवाड़े से सारी चीज़ बाहर आ जाती है और भैया वो हरा हरा पात देता है। तो भाई यहाँ पे मतलब इसको भी ख़त्म कर देता हूँ भाई मैं। उसके बाद में मैं भग रहा होता हूँ इधर उधर बंदे ढूंढ रहा होता हूँ, क्योंकि भैया हम खेलते हैं सीधा रस गेम प्ले, हम निकलते भैया ऐसे इधर उधर कैंपिंग। तो भाई एक और बंदा मेरे पे रस करते हुए दिखता है, तो भाई ये मेरी स्प्रे से बच गया, क्योंकि भाई इसके पास इसको मैं नहीं सिखाया था भाई भगते कैसे ऐसी खतरनाक स्प्रे से, लेकिन यार क्या बात है कि बाप बाप होता है तो फेल देता हूँ भाई मैं इसको भी। पर इसका टीममेट इसको बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहा होता, तो भाई एक ही एक जो एक्सपे का बचा होता बेचारा। और जैसे ही भाई मैं नेड उसकी तरफ फेंकता हूँ, उसका ध्यान उसके टीममेट की तरफ जाता है, और भैया उसका ध्यान मेरे से जैसे ही हटा तो भैया हमने दे दी उसको एक बढ़िया सी स्प्रे, और स्प्रे देती वो भैया बंदा नॉक हो जाता है। तो यार नॉक होने के बाद में वो बंदे उसकी मतलब एकदम ईगो हर्ट हो जाती है भाई, वो मेरे पे रस करने के लिए आ रहा होता, तो भैया उसको भी एक बढ़िया सी स्प्रे देते, क्योंकि आपको पता ही है एमओ की कोई कमी है नहीं, अपन बॉट मार के एमओ लूटते हैं। तो भाई जैसे ही वो रस करने आ रहा होता भैया हमारी स्प्रे से वो बच तो पाता नहीं, दबा दब सारे के सारे बंदे यहाँ पे हम किल कर देते हैं, और भैया यहाँ पे लूट की कमी हो जाती है, तो फटाफट से हम लोग लूट करके भग रहे होते हैं। तो मेरे को यार एक ड्रॉप दिखता है, और भैया पड़ा हुआ ड्रॉप हम ना उठाए भैया ऐसा तो हो नहीं सकता।
यहाँ पे मेरे टीममेट की भाई गलती से एमओ एमओ ड्रॉप हो जाती है, तो भैया चोरी करना तो हमारे खून में है, तो भैया फटाफट से उसकी एमओ उठा लेते हैं। और हमारा एक बहुत ही गवार टीममेट भाई प्लेयर चला देता है, वो भी जोन के बाहर नए अपडेट में, तो भैया तुमको पता भी चल जाता है भाई क्या क्या आ क्या रहा है, क्रेट आ रही है, गाड़ी आ रही है, भाई तुम इतने नल्ले कैसे हो सकते हो। तो भाई देखो यार, जैसे कि वो उसने कॉकरोच बुला लिया और पता नहीं क्या ही नशे थे इसके, तो भाई हम हमारा देसी कॉकरोच लेके इधर उधर जा रहे होते हैं कि भैया इतने में हमारे टीममेट को दिखते हैं बंदे, बंदे तो नहीं एक्चुअली एक ही बंदा था, तो फटाफट सारे के सारे गाड़ी से उतर के उस पर कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। और भैया पता नहीं किसको किल मिला किसको नहीं मिला, बेचारे एक ही बंदा था, उसकी तो पता ही फाड़ के रख दी हमने, और बेचारा वो भी सोच रहा होगा यार किसके सामने आ गया यार, गलती कर दी साला यहाँ पे आके। तो भैया इसको मारने के बाद में हम इसकी पेटी वेटी लूट के इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो आगे देखते रहो आप लोग क्या होता हमारे साथ में। तो भाई इसकी पेटी लूट के हम लोग दोबारा से जाते हैं हमारे देसी कॉकरोच के अंदर, और जैसे ही हम लोग जाते हैं भैया हम पे हो जाती है फायरिंग, एक पूरा का पूरा स्क्वाड करते ही हमारी कॉकरोच पे भैया बहुत तगड़ी फायर करता है, और हम चाहते हुए भाई इसके अंदर से गोली तो चला नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर से गोली चलती नहीं है, तो भाई यहाँ पे कतई हम पे नेड वेड की बारिश कर देते हैं भाई, ये पूरे कॉकरोच की आधी हेल्थ ले जाते हैं। तो भैया यहाँ पे थोड़ी बहुत भैया हमको भी डर लगने लग गया, क्या पता भाई फट जाए हम यहीं पे, कतई तीनों के तीनों एक लाइन में शहीद हो जाए, इससे बढ़िया कि भैया कॉकरोच से उतरो और इनको पेलो। तो यार यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ भैया अपने M4 के ऊपर 6X, और आपको पता ही है भैया तुम्हारे भाई का M4 पे 6X क्या एकदम मतलब जहर चलता है भाई। तो यहाँ पे एक बंदा बेचारा अपनी मुंडी दिखा रहा होता है मेरे को, तो यार दिखती हुई मुंडी हम लोग ना फोड़े तो भैया ऐसा हो नहीं सकता, तो उसकी मुंडी बेचारा मैं फोड़ देता हूँ, इतने मेरे टीममेट को जोश आता है, तो भाई वो पीछे से आ जाता है और उसको फटाफट से यहाँ पे फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे मेरा एक और किल सिक्योर हो जाता है, और सिक्योर किल भैया उनको बहुत पसंद है, मतलब कतई एकदम जान में जान आ जाती है भाई। यहाँ पे जैसे ही उसकी दो तीन गोली पड़ती है तो भैया मैं यहाँ पे सीधा सीधा नीचे लेट जाता हूँ, क्योंकि भैया गोलियां पड़ी तो उससे बचना चाहिए। तो यार यहाँ पे पीछे से एक और बंदा होता है जिसके पता नहीं पीछे गांड में ज्यादा ही खुजली होती है, तो भैया उसकी खुजली मिटाने के लिए हम एक बढ़िया सा उस पर स्प्रे मार देते हैं, और उस पर स्प्रे मारते ही भैया उसकी फट जाती है, तो वो भी कवर में चले जाता है और हमको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है लूटने के लिए। तो भाई जैसे ही मतलब लूटने के लिए नहीं, मतलब थोड़ी बहुत ऐसे हेल्थ वेल्थ बढ़ाने के लिए, तो भाई हम यहाँ पे फटाफट से नीचे लेट जाते हैं, और भैया हम खोलते हैं हमारी पेटी, और मतलब हमारा जो बैग होता है उसको खोलता हूँ भाई मैं, और बैग खोलने के बाद में यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार पीछे वाले बंदे को एक बार और देख लिया जाए, तो मैं देखता हूँ कि वो भी नहीं देख रहा, तो भाई फटाफट से मैं दारू पी लेता हूँ, क्योंकि यार दारू पिए बिना यार मेरे में एनर्जी नहीं आती। तो भैया यहाँ पे दारू पीने के बाद मैं दोबारा से मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ पीछे वाला बंदा तो कहीं खुजली नहीं कर रहा, तो इतने में भैया सामने वाले बंदे कर देते हैं भैया यहाँ पे स्मोक मोक, पता नहीं भैया उस बेचारों पे पता नहीं क्या जोन था या नहीं था, मुझे लगता है उन पे जोन नहीं था इसलिए बेचारे हमारी तरफ भक्के आ रहे थे, जो भी है भाई यहाँ पे ये स्मोक कर रहे होते, तो भैया मैं मारता हूँ राइट से फिलैंक, क्योंकि भैया तुम्हारे भाई की है 300 IQ, भाई फिलैंक मारा करो भाई, जब भी बंदे तुम पे रस करे तो उन्हीं पे फिलैंक मार दो। तो जैसे ही वो फिलैंक मार रहा होता भैया तो मैं उस पर फिलैंक मार देता हूँ, यहाँ पर फिलैंक हो जाता है, और भाई यहाँ पे मेरी गन की एमो खत्म हो जाती है, तो वो भगते हुए आते, इतने मेरा टीममेट पीछे से आ जाता है, टीममेट भैया एक बार आ गया मेरा, तो भैया हमसे भी मतलब हम ही से ट्रेनिंग लिए है भैया ये सारे टीममेट यार इतना खतरनाक खेलते हैं। तो भैया यहाँ पे हम आम मूली गाजर ये सब उठा लेते हैं जो भी मिलता है हमको, और भैया सामने वाले बंदे के मतलब कति चढ़ा देते हैं, तो भाई उसको यार दो तीन मैंने ऐसे ओम की आवाज़ सुनाई तो भैया उसकी फटके हाथ में आ गई, तो वो बेचारा अपनी अब मुंडी दिखा नहीं रहा, क्योंकि भैया हम दोनों के पास में ओम थी, और जब दोनों टीममेट के पास ओम हो और तुम सामने अकेले हो तो भैया क्या तो तुम पैन फाइट करने के लिए उनसे मतलब वैसे मित्रता कर लो, या फिर भैया ऐसे ही करो जैसे कि इस बंदे ने किया। तो भैया इस बंदे ने गलती कर दी, वो हमसे मित्रता करना नहीं चाहता था, वो करना चाहता था भैया हम पे रस, और भैया एक बात तो है देखो यार जोन उसकी फेवर में था तो भैया वो रस कर सकता था, लेकिन यार हमने यहाँ पे अपना 300 IQ वाला दिमाग लगा और करा हमने स्मोक, और जैसे ही मैं स्मोक के अंदर से निकलने लगा तो भैया मेरे बंदे ने उसको दे दिया पाट्टे से कान के नीचे, और भैया एक बार कान के नीचे बजने के बाद तो भैया हो जाता हमारा चिकन डिनर। तो आशा करता हूँ आपको गेम प्ले पसंद आएगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर मारना और यार शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय गाइस।